Hi viewers, welcome to Myna Style Corner. Instant glowing skin के लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ आपको. ए होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए हल्दी. हल्दी आपकी स्किन के लिए वैसा भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है. इसमें जो हुआ एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी के लिए और वैसा भी आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही यूजफुल है. आपकी इम्यूनिटी को बड़ा करने के लिए बहुत ही मदद करती है हल्दी. वैसा भी आपकी स्किन पर जो हुआ पिंपल्स एक्ने को निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल है. हमें इसमें लेना है हल्दी. फ्रेंड्स, इसके साथ हमें लेना चाहिए चीनी. चीनी नेचुरल स्क्रबर जैसे काम करती है. चीने से स्क्रब करने से आपकी डेड स्किन निकालती है और आपकी स्किन पर जो हुआ डर्ट निकालती है. वैसा भी आपकी स्किन वाइटनिंग होती है. इसमें हमें लेना चाहिए थोड़ा सा चीने. ये दोनों की अच्छी तरह से मिलाना है. इसके साथ हमें नींबू लेना चाहिए. नींबू आपकी स्किन की एंटी एजनिंग जैसे काम करती है और इसमें जो विटामिन सी है और इस एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पे है नींबू में, वो आपकी स्किन पोर्स में जो हुआ डर्ट को, आपके चेहरे पर जो हुआ बैक्टीरिया को निकालते हैं, आपकी वाइटनिंग स्किन देती है, ग्लोइंग भी देती है. ए लेमन पर हमें मिक्स किया था ना हल्दी और चीनी, इसको डालना चाहिए ऐसा. डालने के बाद इसे आपके चेहरे पर स्क्रब कीजिए. मैं मेरी हाथ के ऊपर स्क्रब करके दिखाती हूँ आपको. आप ऐसा आपके चेहरे पर स्क्रब कीजिए. फ्रेंड्स, बीच में स्क्वीज करना है. स्क्वीज करने से इसमें जो हुआ नींबू रस बाहर आती है और आपकी स्किन को क्लेंजिंग जैसे काम करती है. हल्दी आपके चेहरे को ग्लोइंग लाने में और आपके चेहरे पर जो हुआ बैक्टीरिया को हटाने के लिए, पिंपल्स को हटाने के लिए, एक्ने और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही मदद करती है. बीच में ऐसा स्क्वीज करके अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, स्क्रब कीजिए आपके चेहरे पर ऐसा. 3 से 5 मिनट तक स्क्रब कीजिए. स्क्रब करने के बाद वॉश कीजिए, कोई भी क्लीन वाटर से वॉश कीजिए. फ्रेंड्स, मैंने कूल वाटर के साथ मैं मेरे हाथ को वॉश किया था. इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. इसके बाद हमें एक बाउल लेना चाहिए. इसमें चीने लेना चाहिए. चीने में जो हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में मदद करती है और चीने स्क्रबर जैसे भी काम करती है. आपकी स्किन त्वचा को स्मूथ करने के लिए बहुत ही मदद करती है. और इसमें हमें डालना है नींबू का रस. 1 चम्मच नींबू का रस भी डालना चाहिए. आपकी बॉडी पर कहीं पर हुआ डैन को रिमूव करने के लिए ये रेमेडी बहुत ही यूजफुल है. ये नेचुरल स्क्रबर जैसे काम करती है. वैसा भी आपकी इंस्टेंट ग्लोइंग लाने के लिए भी बहुत ही यूजफुल है. ऐसे ही दोनों चीज़ों की मिलाकर टमाटर लेके आपके चेहरे को स्क्रब करना चाहिए. फ्रेंड्स, इसमें मैंने यूज़ किया था चीने और नींबू का रस. इसके साथ आधा काटा हुए टमाटर लेना चाहिए. टमाटर को इसमें डिप करना चाहिए. डिप करके आपके चेहरे पर मसाज कीजिए. मैं मेरी हाथ के ऊपर मसाज करके दिखाती हूँ आपको. ऐसा आपके चेहरे पर स्क्रब कीजिए. टमाटर आपके चेहरे पर जो हुआ डार्क सर्कल्स, डार्क स्किन को वाइटनिंग करने के लिए बहुत ही मदद करती है. टमाटर नेचुरल क्लेंजर जैसे काम करती है और आपकी स्किन को स्मूथ करने में बहुत ही यूजफुल है. ऐसा मसाज करने से पहली स्टेप में हमें यूज़ किया था ना हल्दी, वो बाकी हल्दी भी चले जाएगी और अंदर से ग्लोइंग भी आएगी. कोई भी पार्टीज को जाने के समय और कोई ब्राइडल मेकअप के पहले ये होम रेमेडी यूज़ कीजिए.
यूज़ करने से आपकी ग्लोइंग शाइनी स्किन मिलती है और आपकी प्रॉब्लम्स, पिंपल का प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम या एक्ने का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को दूर करती है। ऐसा स्क्रब कीजिए 10 से 15 मिनट तक। दोस्तों, ऐसा स्क्रब करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद कूल वाटर से क्लीन कीजिए। अब मैं कूल वाटर से क्लीन किया था। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, आपकी इंस्टेंट ग्लोइंग और फेयर स्किन मिलेगी। ऐसा आपको पार्टीज को जाना है, वो समय आपकी बहुत सारा टाइम ना आए तो पार्लर जाने का, आप वो इंस्टेंट ग्लोइंग पैक को आप यूज़ कर सकते। थोड़ा सा समय में आपको इंस्टेंट ग्लोइंग मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।